गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे कि पूर्ति की लोच है जो प्रभावित होती है। यानी पूर्ति की लोच के बारे में हम यदि बात करें तो हम जानते हैं कि पूर्ति कुछ चीज़ों की अधिक लोचदार होती है, कुछ कंडीशन में अधिक लोचदार पूर्ति होती है तो कुछ में कम लोचदार होती है, तो कुछ लोचदार स्थिति में होती है और कुछ पूर्णतया बेलोचदार, तो कुछ है जो पूर्णतया लोचदार कंडीशन में होती है। लेकिन हम इन टॉपिकों में सामान्यतः जो व्यवहार में जो चीज़ें काम में आती है, जो व्यवहार में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें ही इसके अंतर्गत है जो लेंगे और शामिल करेंगे। उसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलेगा कि किन चीज़ों में पूर्ति की जो लोच है वो कम लोचदार होती है और किस में अधिक लोचदार होती है। तो ये वो टॉपिक होंगे जो आज के हमारे जो डिस्कस के हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो नंबर हमारा वन है वो है वस्तु की प्रकृति। तो कुछ वस्तुएं जल्दी खराब होने वाली होती है जिन्हें कहते हैं शीघ्र नाशवान वस्तुएं। दूसरी होती है टिकाऊ वस्तुएं। तो जल्दी खराब होने वाली जो चीजें होती है जिनको हम शीघ्र नाशवान वाली वस्तुएं कहते हैं, इनकी पूर्ति की लोच क्या होती है? कम लोचदार होती है। इनकी पूर्ति कम लोचदार होती है जबकि टिकाऊ वस्तुओं की जो पूर्ति है वो अधिक लोचदार मानी जाती है। अब आप पूछेंगे कि शीघ्र नाशवान वाली वस्तुएं कौन सी होती है और टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है? तो जो लंबे समय तक चले उनको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। सामान्यतः हम घर में ऐसी कुछ चीजें रखते भी है, घर की चीजों का एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि आपके घर में एसी लगी हुई है, बेड जो फर्नीचर लगा हुआ है लंबे टाइम तक चलने वाली चीजें होती है ये, और पंखे वगैरह है, कूलर वगैरह है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, फ्रिज वगैरह है जो लंबे टाइम तक चले, तो इनको हम इनकी जो लोच कैसी होती है अधिक लोचदार बोलते हैं इनकी जो लोच है। और शीघ्र नाशवान यानी जल्दी खराब होने वाली चीजें, तो इसमें ज्यादातर तो खाने वाले प्रोडक्ट है वो आ जाते हैं। खाने वाले प्रोडक्ट में भी यदि बात करें तो कौन से, वो है साग सब्जियां, मांस मछली अंडा वगैरह, ये जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इनको डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर, ये क्या है खराब जल्दी हो जाते हैं, विशेष रूप से साग सब्जियां, फल फ्रूट और मांस मछली अंडा वगैरह, ये चीजें जल्दी खराब होने वाली चीजें होती है, तो ये शीघ्र नाशवान वाली चीजें होती है। इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है इनकी जो लोच है, पूर्ति की लोच है वो क्या होती है? कम लोचदार होती है। इनकी है जो अधिक लोचदार होती है, ये इनके अंदर है जो अंतर आता है। दूसरी बात करें उत्पादन साधनों में गतिशीलता, तो कुछ साधन होते हैं वो गतिशील होते हैं। उत्पत्ति के जो साधन है भूमि पूंजी श्रम साहस मानते हैं, मुख्य रूप से भूमि पूंजी श्रम और साहस चार, और संगठन को भी शामिल करते हैं लेकिन मुख्य ये चार ही है। तो कुछ जो उत्पत्ति के जो साधन है उनमें गतिशीलता पाई जाती है तो कुछ कम गतिशील होते हैं। यानी जो कम यूज में आ रहे हैं या कम काम करने वाले हैं, या इनको यदि बोले तो अधिक काम करते हैं, लगातार जारी रहते हैं काम में इनको लिया जा रहा है, तो जिनमें कार्य के प्रति ज्यादा यूज लिया जा रहा है उन जिन संसाधनों को, वो गतिशील होते हैं। जिनको कम यूज लिया जाता है या जो कम काम करते हैं वो कम गतिशील होते हैं। तो इनकी जो लोच है वो कुछ इस तरीके से होती है, गतिशील साधनों की जो लोच है वो अधिक लोचदार होती है, गतिशील साधनों की जो पूर्ति है वो अधिक लोचदार होती है, और जो कम गतिशील होते हैं उनकी जो पूर्ति है, पूर्ति की लोच है वो होती है कम लोचदार। तो इस तरीके से साधनों की जो गतिशीलता के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि इनकी जो लोच है वो अधिक और कम लोचदार हो सकती है। तो ये इसका टॉपिक हुआ। उसके बाद में चलते हैं उत्पत्ति के नियम। तो उत्पत्ति के नियमों की यदि बात करें तो उत्पत्ति के तीन नियम है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति संता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम में उत्पादन बढ़ती दर से मिलता है,
उत्पत्ति ह्रासने में उत्पादन घटती दर से मिलता है, और उत्पत्ति जो जिसमें समान उत्पादन हो वो समता नियम होता है, और उसमें क्या है जो उत्पादन है समान दर से मिलता है, यानी जिस मात्रा में हम इनपुट डालते हैं, इनपुट का मतलब है उत्पत्ति के साधनों को लगाते हैं, उसी अनुपात में जो प्रोडक्शन मिलता है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में तेजी से बढ़ता है, ह्रास नियम में घटती दर से बढ़ता है, और समता नियम में समान दर से जो हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसमें कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और ह्रास नियम। विशेष रूप से यदि किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हुआ है, यदि किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत हुआ है तो उसकी जो पूर्ति है वो कम लोचदार होगी, ह्रास नियम में कम लोचदार होगी, और उत्पत्ति वृद्धि नियम में यदि किसी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत हुआ है तो उस वस्तु की जो पूर्ति है अधिक लोचदार है जो मानी जाती है। तो ये कम लोचदार और ये अधिक लोचदार। तो बात करें समय तत्व की, तो समय तत्व के कारण भी जो लोच है उसमें बदलाव आ सकता है। समय की यदि बात करें तो तीन प्रकार का सामान्यतः हमारे सामने समय देखने को मिलता है, अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल। तो ये जो समय है इसको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। हम इसको मार्केट के हिसाब से देखें तो ये इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, अल्पकाल, अति अल्पकाल, तो इस तरीके से। लेकिन सामान्यतः हमें ये तीन प्रकार का जो समय है यही देखने को है जो मिलता है। अब हम बात करें कि क्या इसमें भी पूर्ति की लोच है जो कहीं प्रभावित होती है, तो बिल्कुल होती है। तो बात इसमें हम अल्पकाल और दीर्घकाल की करेंगे। तो अल्पकाल में जो वस्तुओं की पूर्ति है वो कम लोचदार होती है, कम लोचदार, यानी अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति कम लोचदार होती है, दीर्घकाल में वस्तुओं की पूर्ति अधिक लोचदार होती है। तो ये हुई समय तत्व की बात कि दीर्घकाल में अधिक लोचदार होती है पूर्ति, और अल्पकाल में जो वस्तु की पूर्ति क्या होती है कम लोचदार होती है। तो इस तरीके से समय के आधार पर भी इसको हम बता सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है वो है उत्पादन प्रणाली। उत्पादन प्रणालियां भी अलग अलग तरीके की होती है। हम सामान्य तौर पर देखें तो उत्पादन की जो प्रणाली है वो दो रूपों में जो हम देख सकते हैं, एक तो आधुनिक प्रणाली और एक है जो पुरानी प्रणाली है। तो प्रोडक्शन के लिए जो कौन सी सूटेबल रहती है वो तो अलग अलग फर्में बता सकती है। कुछ लोग दोनों का तालमेल बैठा करके काम करते हैं, तो कुछ लोग आधुनिक टेक्निक का यूज करते हैं, तो कुछ पुरानी तकनीकों से काम करते हैं। लेकिन जब लोच की बात आती है तो हम इसमें कुछ और चीज शामिल कर लेते हैं, वो किस तरीके से है। तो बात करें लोच की, तो पूर्ति की लोच उत्पादन प्रणाली से किस तरीके से प्रभावित होती है। तो उत्पादन प्रणाली यदि सरल है, उत्पादन प्रणाली यदि सरल है तो उसकी लोच है वो क्या होगी, अधिक होगी। उत्पादन प्रणाली यदि सरल हो तो उसकी पूर्ति की लोच अधिक होगी। ऐसी प्रणाली में लागत कम आती है और जो पूंजी और उत्पत्ति के साधन है इनकी मात्रा भी कम ही यूज ली जाती है। तो ऐसी प्रणाली जो सरल हो, लागतें कम हो और मितव्ययी हो, ऐसी प्रणाली की लोच अधिक होती है। इसके विपरीत यदि बात करें उत्पादन प्रणाली यदि जटिल हो, उत्पादन प्रणाली यदि जटिल हो तो इसकी पूर्ति की लोच जो है कम होगी, लोच इसकी कम होगी। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। यदि जटिल की बात करें तो इसमें वही बात है कि ये इसमें काम है जो आसानी से नहीं होता है, उत्पत्ति के साधन है और जो पूंजी है इसकी मात्रा अधिक चाहिए होती है,
और जो इसकी लागत है वो भी कहीं अधिक होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो उत्पादन प्रणाली है उसके आधार पे भी लोच को हम कम और अधिक है जो बता सकते हैं। यदि उत्पादन प्रणाली सरल है तो लोच अधिक होगी, उत्पादन प्रणाली यदि जटिल है तो लोच है जो कम होगी। तो इस तरीके से जो ये लोच है जो हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक है यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।